गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कल की क्लास में हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम दो मेथड पढ़े थे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में हमने जो मेजरमेंट लिया था लेंथ का, वह क्या था, और उस मेजरमेंट को जो हमने लिया था, जो इंस्ट्रूमेंट लिया था, वह क्या था, इस तरह से था, मीटर स्केल, जिसकी सबसे छोटी लेंथ थी वह था मिलीमीटर, जिसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं, ठीक है। तो मीटर स्केल से सबसे छोटी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं 10^-3 मीटर तक, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से। वर्नियर जो हमारा कैलिपर होता है, वो भी एक स्केल है मेजरमेंट का, उससे जो हम मेजरमेंट करते हैं 10^-4 मीटर लेंथ का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और उससे भी छोटा स्क्रू गेज है, जो 1/100 ऑफ 1 मिलीमीटर था, ठीक है। उसको अगर हम चेंज करेंगे एसआई यूनिट में 10^-5 मीटर मिलता है। इतनी छोटी लेंथ को हम डायरेक्ट मेथड से उस लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब होता है, इससे भी जो बड़ी लेंथ हमने मेजर किया था इनडायरेक्ट मेथड से, मिडिल रेंज जो स्टार होते हैं उनके लेंथ को हमने मेजरमेंट किया था, ठीक है, पैरेलेक्स मेथड से, ठीक है, ये रहा। अब उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि अगर इससे भी छोटा 10^-6, -7, -8 अगर मीटर का कोई साइज है, कोई लेंथ है, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, ये है आज का टॉपिक, ठीक है। ओके, तो ये हमने कल स्टडी किया था, ठीक है। तो आज हम लोग एक बहुत ही छोटे साइज को मेजर करेंगे। तो इसका हम कॉन्सेप्ट इस तरह से समझते हैं, ठीक है। हम देखते हैं हमारे नेचर में जो मटेरियल होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, और जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे मॉलिक्यूल्स और एटम होते हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से है, हमारे पास एक साइज है, ये हमारे पास एक साइज है। अगर ये साइज से, अगर यहां से लाइट यहां से आती है, ये इस तरह से लाइट यहां से आती है, ये इस तरह से, तो हम देखते क्या है कि इस मटेरियल की यहां पर डार्क होता है, यहां पर इसकी शैडो दिखती है, इसकी परछाई दिखती है ना। अगर लाइट कहीं से आ रही है और वहां पे कोई मटेरियल पार्टिकल रखोगे तो उसकी परछाई दिखेगी ना, शैडो ये है, और इसके साइड में क्या होगा, लाइट यानी ब्राइट होगा, चमकेगा, दिखेगा, इधर ये लाइट ही होगी, यहां पर डार्क हुआ, क्लियर है। तो ये एक मॉलिक्यूल्स की साइज है, ठीक है। अब अगर इससे छोटा साइज हो, इससे भी छोटा और छोटा, ठीक है, ये रहा। तो अगर हम इसको देखते हैं लाइट से, तो लाइट इस तरह से आती है ऐसे, इस तरह से आती है ऐसे, तो यहां पे और यहां पे भी लाइट का डिफ्रेक्शन होता है, तो ये लाइट यहां होती है और यहां होती है, ये ऐसे, ठीक है। तो यहां पर अंधेरा होता है, लाइट का डिफ्रेक्शन होता है, ठीक है। तो यहां पर भी लाइट का डिफ्रेक्शन होता है, तो हम क्या देखते हैं, यहां पर लाइट, इस साइड भी लाइट, इस साइड भी लाइट, यानी इस छोटे से मटेरियल का पार्टिकल का यहां पर डार्क यानी उसकी शैडो नहीं दिखती, बहुत छोटे है। हमारे नेचर में ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं अपने कमरे में, अपने क्षेत्र में, अपने चारों तरफ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स घूम रहे होते हैं ना, एयर के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल घूमते हैं, ठीक है। तो क्या उनकी हमको शैडो दिखती है, परछाई दिखती है, नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि उनकी साइज इतनी छोटी होती है कि लाइट के डिफ्रेक्शन की वजह से हमेशा ब्राइट 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 ही दिखता है, समझ रहे हो ना। तो ये जो साइज है बहुत 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 स्मॉल है। अब इनकी जो साइज है वो क्या है, इनकी जो साइज होती है, ठीक है, यह लेस देन, छोटी है, किससे छोटी है, 10^-6, -7 से छोटी, तो यहां पर हम -6 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इसकी जो साइज होगी क्या होगी, 10^-6 से छोटी होगी, 10^-7, -8, -9 जो मॉलिक्यूल की साइज और एटम की साइज देता है, ठीक है। ओके,
अब इसकी जो साइज है इससे बड़ी साइज है तभी हमको दिखती है इसका शैडो, ठीक है। तो ये जो साइज होगा, साइज क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, 10^-6 से बड़ा होगा, क्लियर है ना। तो ये हमको नहीं दिखता है, और क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि इसकी साइज 10^-6 से छोटी है। अब छोटी है तो क्या है, 10^-7, 10^-8, 10^-9, ठीक है। तो लगभग ये हमको क्या देता है, एक मॉलिक्यूल देता है, एक मॉलिक्यूल, यानी जो मॉलिक्यूल होती है उसकी साइज 10^-8, -9 के लगभग होती है, 10^-10, ठीक है। ये है मॉलिक्यूल जो हमको नहीं दिखती है, ठीक है। लेकिन हम इसके लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, तो कैसे मेजर करेंगे, डायरेक्ट मेथड से या फिर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड से। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है उसको समझिए। तो आज का टॉपिक क्या है, हम किसी मॉलिक्यूल्स की साइज को मेजर करेंगे, ठीक है, ओके। ओके, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर इसका हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, इसके लिए हम कोई लिक्विड लेते हैं, लिक्विड, ठीक है, और लिक्विड में जो ड्रॉप बनते हैं, ठीक है, तो हम एक ड्रॉप का वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। इसको किस तरह से हम अपने लैब में, अपने घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले एक ड्रॉप का वॉल्यूम, ठीक। हम अपने लैब में देखा, हमारे पास एक ड्रॉपर है, ड्रॉपर ये इस तरह से, ये ड्रॉपर है, ये उसका नोजल है, ठीक है, ओके। तो यहां पर एक स्विच टाइप का है, ठीक है, इसको हम ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा है इसमें मेजरमेंट है ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। तो इसमें हमने कोई लिक्विड भरा और उसके बाद हमने इसके ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, हमने गिराना शुरू किया, ठीक है, ड्रॉपर से। तो जब हम ड्रॉप को गिराएंगे तो देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, ड्रॉप तो बंद है ना नीचे, ठीक है। तो हमने देखा ये जो वॉल्यूम है वाटर का या लिक्विड का, ये जो लिक्विड का वॉल्यूम है 1 cm³ है, सबसे छोटी यूनिट सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हुआ क्यूबिक सेंटीमीटर, तो हमने 1 cm³ जो वॉल्यूम है उस लिक्विड का हमने ड्रॉप से किसी वेजल में ड्रॉप कर लिया, ठीक है। तो हमने देखा एन ड्रॉप गिरा, ठीक है, 1 cc वॉल्यूम में लिक्विड के जो ड्रॉप हुए, एन ड्रॉप गिरे, तो हमने क्या देखा, एन ड्रॉप किसके इक्वल है, 1 cc के इक्वल है। तो बताइए 1 ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, तो 1 ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वह होगा 1/nCc, यही ना, एन ड्रॉप में 1, तो 1 ड्रॉप में 1/nCc, ये हमने कैलकुलेट किया वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। साइज ऑफ मॉलिक्यूल में हमको जरूरत पड़ेगी, इनका हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ये हुआ, और क्या जरूरत है हमको, ठीक है, और हमको जरूरत है, एक हम फार्मूला पढ़े हुए हैं, और वह जो फार्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है वॉल्यूम का, ठीक है। ये हुआ वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ जानते हैं क्या होता है, एरिया, और ये हुआ आपका हाइट, तो वॉल्यूम भी इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, ये होता है। अगर यहां से हम हाइट को निकालना चाहें तो हाइट ये चीज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है, ओके। तो इसकी जरूरत है हमें, समझ रहे ना, ये हुआ यच। अब थोड़ा सा इसका हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि कैसे हम वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हमने कैलकुलेट कर लिया, 1 ड्रॉप का वॉल्यूम ये इस तरह से, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एरिया के कॉन्सेप्ट को लेते हैं कि हमारा एरिया क्या है, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने एक बर्तन में या फिर किसी सरफेस पर, ठीक है, यहां पर
ये कोई लिक्विड हमने इस तरह से ड्रॉप किया, फैला दिया, तो हमें क्या पता है, इस लिक्विड का वैल्यूम पता है इससे, है ना, वैल्यूम तो पता है, ठीक है। अब हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, और एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसकी हाइट, तो हमको यही हाइट ही चाहिए। हम क्या करेंगे, वैल्यूम तो हमको पता है, इतना हमने लिक्विड इस पर फैला दिया, क्लियर है। अब इसका हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसका एरिया क्या है, तो इसके एरिया के लिए हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं। ग्राफ पेपर समझ में आता है ना, ये छोटे छोटे लाइन होते हैं ना बहुत सारे, ठीक है, ये होता है ग्राफ पेपर, ठीक है। तो हम इस ग्राफ पेपर को उठाएंगे, ठीक है, और इस लिक्विड पर इस तरह से पूरा फैला देंगे, समझे ना। तो जब हम इस ग्राफ पेपर को इस लिक्विड पर टच करा के इसे उठाएंगे, तो सपोज ये लिक्विड अगर आयल है, तो हमने देखा है अगर हमारे नोटबुक पर या बुक पर कोई आयल गिर जाता है तो सिमट जाता है ना, वो काफी दिन तक रहता है, दिखता है, वैसा ही है ये लिक्विड सपोज, ठीक है। तो हम जब इस ग्राफ पेपर को ऐसे टच कराएंगे तो देखेंगे इसका पैच यानी धब्बा हमको इस ग्राफ पेपर पर दिख जाएगा। तो देखा, ये इसका धब्बा है, ये इस तरह से इतने धब्बे पर आ गया, क्लियर हुआ। अब हम ग्राफ में जो देखते हैं, ठीक है, ये जो एक सेक्शन होता है वो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसका एरिया होता है, छोटे छोटे एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, एंड बहुत 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 छोटे होते हैं, ठीक है। तो उसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया हमको मिल जाएगा। तो एरिया कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारा फुल स्क्वायर हुआ तो 1, अगर हाफ हुआ तब पर भी हम 1 ले लेते हैं, अगर मोर देन हाफ हुआ तब पर भी हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर लेस देन हाफ है तो हम 1 एरिया नहीं लेते। तो इस तरह से हम एरिया भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो एरिया भी कैलकुलेट हो गया, वैल्यूम भी कैलकुलेट हो गया, तो अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट ऑफ लिक्विड, यानी ये हाइट हम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब जो हम वाटर लिए हुए हैं, जो हम लिक्विड लिए हुए हैं, कोई भी लिक्विड, वाटर, आयल, ठीक है, तो जो हम लिक्विड लिए हुए हैं, यहां पर क्या उस एक ड्रॉप की ये साइज है क्या, लाइक एज एज, ये इस तरह से क्या एक ड्रॉप का डायमीटर शो करता है क्या ये हाइट, आंसर है नो, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो यहां पर हम सपोज करते हैं नहीं करता है, ठीक है। तो किस तरह से, थोड़ा इसको समझते हैं, हमारे पास एक कोई गाढ़ा लिक्विड है, ठीक है, जिसको हम ले लेते हैं हनी, शहद लेते हैं ना, बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है। तो उसको हमने इस तरह से जब फैलाया तो हमने देखा ये इसका सब स्ट्रक्चर होता है ऐसे, हनी पूरा फैल नहीं जाता, ऐसे कुछ मोटाई पर होता है। तो हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 5-6 मॉलिक्यूल्स का एक लेयर है, एक मॉलिक्यूल का लेयर नहीं है, ठीक है। अब हमने देखा ये करना क्या चाहता है, एमजी फोर्स नीचे लगेगा और ये फैलना चाहता है। तो हमने इस हनी को थोड़ा सा उसमें उसको डाइल्यूट किया, उसका सोल्यूशन बनाया, यानी जो गाढ़ा था उससे कम, यानी तरल सोल्यूशन बनाया, ठीक है, बनाया तो और कम गाढ़ा हो जाएगा इस तरह से। तो हम देखेंगे अब इसके एरिया को भी हमने फ्री छोड़ दिया, इसका एरिया जो यहाँ तक था हमने इसको डाइल्यूट करके इसके एरिया को फ्रीज कर दिया, आप जहां तक फैलना चाहो फैल जाओ, ठीक है। तो ये फैल जाता है ये इस तरह से, और ये जब इस तरह से फैल जाता है तो ये कहीं कहीं हमको एक मॉलिक्यूल का एक ड्रॉप का साइज दे देता है, और यही उसकी साइज हो जाती है, यानी गाढ़ा है तो हम क्या करेंगे उसको सोल्यूशन बनाएंगे, और कम गाढ़ा इस तरह से हम उसमें सोल्यूशन उसका बनाते जाएंगे, ठीक है, ओके। तो इससे और आते आते हमको एक मॉलिक्यूल की साइज मिल जाएगी, ठीक है ना, ओके। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था हमारा साइज ऑफ मॉलिक्यूल का, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमको एक ड्रॉप का साइज
हमको मिल जाएगा, एक मॉलिक्यूल्स का साइज हमको मिलेगा, ठीक है। ओके, तो हम ये तो था कुछ कॉन्सेप्ट, अब हम इसको रिटेन में करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की साइज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम इसका एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये है एक्सपेरिमेंट, क्या एक्सपेरिमेंट है, जिससे हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी अभी पढ़े थे ना एच की वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है, क्या मिला था आपको, वैल्यू अपॉन ए, ये ना स्केल से। तो एक्सपेरिमेंट, एक वन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ओलिक एसिड, तो जो हमारा ओलिक एसिड होता है ये क्यों लिया गया है, तो हमने देखा अपने लिक्विड में, तो जो हमारा ओलिक एसिड होता है, ठीक है, इसकी साइज जो होती है वह लगभग 10^-7-8 के लगभग होती है, यानी साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, इसलिए हमने क्या चूज किया हुआ है, ओलिक एसिड, ठीक है। तो वन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ओलिक एसिड इज डिजॉल्व इन एल्कोहल, हम एल्कोहल में मिलाते हैं टू मेक इट 20 cm³ ऑफ सोल्यूशन, तो कितना सोल्यूशन बन जाता है, 20 cm³, ठीक है। अब यहाँ पर रिकॉर्ड आया है एल्कोहल, तो हम एल्कोहल ही क्यों लेते हैं, तो एल्कोहल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि एयर के कॉन्टेक्ट में ये बहुत जल्दी इवोपरेट हो जाता है, तो क्या सिर्फ बचेगा आपके पास, एसिड, ओलिक एसिड बचेगा, और जो एल्कोहल होगा इवोपरेट हो जाएगा टोटली, ठीक है, इसलिए एल्कोहल लेते हैं। तो 1 cc ऑफ ओलिक एसिड, उसको हमने मिक्स किया, सोल्यूशन बनाया 20 cc का, ठीक है। अब ये 20 cc का सोल्यूशन मिल गया, अब उस 20 cc सोल्यूशन में हमने 1 cc ऑफ दिस सोल्यूशन कॉन्टेन 120 cc ऑफ ओलिक एसिड, तो 20 सोल्यूशन बना, तो उसमें से जो ओलिक एसिड होगा वह कितना होगा, 120 cc ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, 1 cc ऑफ दिस सोल्यूशन एंड अगेन मिक्स विद एल्कोहल टू मेक 20 cc अगेन। अब ये जो 120 cc है ना, इसमें अब हम फिर सोल्यूशन बनाते हैं, ये हमारा प्योर है, प्योर ओलिक हुआ, क्योंकि जो एल्कोहल हुआ वो क्या हो गया, इवोपरेट हो गया, ठीक है। अब इसको हम फिर सोल्यूशन बनाते हैं, और वो जो सोल्यूशन होगा फिर से कितना सोल्यूशन बनाएंगे, 120 cc अगेन, ये फिर से बनाएंगे, क्लियर है ना। ओके, फिर नाउ 1 cc ऑफ दिस न्यू सोल्यूशन है, तो जो 20 cc वाला फिर से सोल्यूशन बनेगा उसमें जो प्योर ओलिक एसिड होगा वह क्या होगा, 120 × 20 cc ऑफ प्योर ओलिक एसिड, तो एल्कोहल क्या हो गया, इवोपोरेट हो गया, समझ में आया ना, ठीक है। तो वंस फिर से समझो इसको, 1 cc था ओलिक एसिड, उसको हमने सोल्यूशन किया 20 का, किसके साथ, एल्कोहल का, एल्कोहल के साथ, ठीक है। अब उस पूरे 20 सोल्यूशन में जो बन गया उसमें हम ओलिक एसिड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, 120 होगा ओलिक एसिड, जो एल्कोहल के ऊपर, ठीक है, अगेन फिर हमने इसका 1 cc का इसका सोल्यूशन लिया, 1 cc जो ओलिक एसिड है, फिर से हम उसका उसमें सोल्यूशन मिलाया, है ना, तो फिर से 20 cm अगेन बनाया, फिर उसमें से अगर हम 1 cc ओलिक एसिड की बात करें तो कितना होगा, 120 × 20 cc, यानी दो बार हमने किया, एक बार किया 20 सोल्यूशन हुआ, उसमें से एक ओलिक एसिड निकाला 1 cc, फिर उसको 20 के साथ मिक्स किया, फिर से 1 निकाला, तो 1 का वैल्यू हुआ ये, ठीक है। अभी भी गाढ़ा है तो हम फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना, बट हम 2 times में ओलिक एसिड के जो एक्सपेरिमेंट है कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, ये हुआ। ओके, अब हम क्या जानते हैं, हमने कैलकुलेट किया हुआ है लैब में, पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है 1 drop ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो इस सोल्यूशन का अगर हम 1 drop लेते हैं तो किस तरह से लेंगे, ड्रॉपर से लिए थे ना, वही है, तो वैल्यू ऑफ 1 drop ऑफ दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन का 1 drop का वैल्यू हमने सपोज किया भी है, ठीक है, 1 drop का वैल्यू भी है ये, अगेन टेक 1 drop ऑफ वाटर,
फिर हम एक ट्रफ ऑफ वाटर लेते हैं, ये रहा हमारा ट्रफ ऑफ वाटर, ठीक है। अब इस ट्रफ ऑफ वाटर में अगर हम ये सोल्यूशन मिलाएंगे जो हमने बनाया हुआ है ओलिक एसिड का, ठीक है, तो हम देखेंगे वह वाटर के साथ मिक्स हो जाता है ना। जैसे हम जनरल में वाटर है उसमें अगर हम मस्टर्ड ऑयल डालते हैं, ठीक है, तो फैल जाता है, समझ रहे ना, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। बट हम एक इस तरह से उस वाटर के सरफेस पर लेयर बनाना चाहते हैं कि हम उस इस सॉल्यूशन को अगर ड्रॉपर से डालें, ठीक है, ताकि वो वाटर के साथ मिक्स ना हो सके, ये उस सरफेस वाटर के सरफेस पर ही है। तो हम वाटर के सरफेस पर एक टलकम पाउडर होता है जिसका केमिकल नेम है लाइकोपोडियम पाउडर, ठीक है, पावर नहीं पाउडर, ठीक है, ये है पाउडर। तो ये हमारा लाइकोपोडियम पाउडर है, जब उस पर हम वाटर पर इस तरह से स्प्रिंग कर देते हैं, फैला देते हैं, तो एक लेयर बन जाता है। जनरल में अगर हम बात करें कि जहाँ पे डस्ट उड़ता रहता है, अपने कमरे में ले लो, अगर एक बाल्टी पानी रख दो, ठीक है, उसको ढको ना, तो देखते हैं कुछ समय के बाद, एक घंटे दो घंटे तीन घंटे बाद, तो क्या देखते हैं, जो डस्ट पार्टिकल हैं वो उस वाटर पर एक लेयर के रूप में हमको दिखते हैं, है ना, ऐसा ही है, ठीक है। तो अब हम इस पर लेयर बन गया, इस पर हम ये जो सॉल्यूशन बनाए हुए हैं इसको ड्रॉपर से डालेंगे, ठीक है, ये रहा, मान लीजिए ये रहा, ड्रॉपर से डाल दिया हमने, कितने बूंद डाला, यन बूंद, यन ड्रॉप, ये रहा यन ड्रॉप, यन ड्रॉप हमने इस तरह से इस लेयर पर स्प्रिंग किया, यानी डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसका हमको एरिया चाहिए, एरिया वॉल्यूम तो मिल गया, कैसे वॉल्यूम, वन वन ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वह भी है, तो हमने इस पर कितना ड्रॉप डाला, एन ड्रॉप डाला, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एन इंटू वी, एन वी वॉल्यूम, ठीक है, ओके। कितने में से आंसर है, ये पूरा हमने ड्रॉपर से ये पूरा हमने सोल्यूशन डाला है, ठीक है, ओके। अब इसका हम एरिया कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर पर हमने इस तरह से इसको टच कराया तो देखा उस ग्राफ पेपर पर पैच बन गया, इसके पहले बताए थे ना ये, तो ग्राफ पेपर पर पैच बन गया ऐसा इसका, ठीक है, तो हम इसका एरिया भी कैलकुलेट किए, ठीक है। तो वॉल्यूम अपॉन एरिया इज इक्वल टू हाइट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल, उसकी हाइट यानी ये जो डेप्थ है, जो मोटाई है उस मॉलिक्यूल के लेयर की, वह वन मॉलिक्यूल के साइज के इक्वल होता है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, ओके। तो ये रहा, तो हमने देखा फिर से अगेन, टेक वन ड्रॉप ऑफ वाटर, स्प्रिंकल लाइकोपोडियम पाउडर ऑफ सरफेस ऑफ वाटर, पुट एन ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ऑन दिस लेयर टू क्रिएट ए पैच ऑफ ओलिक एसिड, तो ओलिक एसिड का सिर्फ एक पैच बनता है, और मिक्स किए हुए हैं एल्कोहल को, तो एल्कोहल हुआ क्या, इवोपोरेट, ठीक है, ओलिक एसिड, एल्कोहल इवोपोरेट, फाइंड एरिया ऑफ दिस सोल्यूशन, यानी ओनली ओलिक एसिड का एरिया मिलेगा, एल्कोहल इवोपोरेट हो गया, ये विद हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर, देन हाइट, ये चीज इक्वल टू क्या मिलेगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया, तो वॉल्यूम को देखिए, वन ड्रॉप का वॉल्यूम वी, कितने ड्रॉप डाले, एन, तो एन ड्रॉप को, और कितने सॉल्यूशन में है, तो आंसर है 120 × 120, ये इसका सॉल्यूशन है, इतना सॉल्यूशन हमने लिया था, तो ये इसका हो गया वॉल्यूम, ठीक है, ये टोटल, और डिवाइड बाई एरिया, ये रहा एरिया, तो एरिया को भी हमने ग्राफ पेपर से कैलकुलेट किया, वॉल्यूम भी हमको ये मिल गया, ठीक है, तो यहाँ से एच इज इक्वल टू एन वी, ये 20 × a, इसको हमने नीचे रख दिया, ये रहा हमारा, ठीक है, तो यही है आपका हाइट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी साइज ऑफ मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, इसको हम बोलेंगे ये, तो ये हमारा एक साइज हुआ, और ये है हाइट, तो ये हाइट किसके इक्वल है, तो आंसर है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, समझ रहे, तो ये है, तो इस तरह से हम एक मॉलिक्यूल के साइज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब आंसर आता है, ये जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है आपके माइंड में
क्वेश्चन चल रहा होगा क्या कि सर ये जो हमने लेयर बनाया हुआ है, ये जो लेयर बना हुआ है क्या ये वन मॉलिक्यूल्स का ही हो सकता है? आंसर है नो। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार पांच के भी हो सकते हैं। तो इसको समझिए, हमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो हमने सपोज किया वन लेयर का बना, दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया थ्री लेयर का बना, चौथी बार किया फाइव लेयर का बना, छठी बार किया वन का बना, टू का बना, ऐसे। तो इस तरह से करते करते एक्सपेरिमेंट किया तो हम सभी एक्सपेरिमेंट का एचसीएफ ले लिया। एचसीएफ अगर हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 कंटिन्यू, तो बताइए उसका एचसीएफ क्या होगा? 1। ठीक है, तो इस तरह से हमको एक साइज मिलती है मॉलिक्यूल्स की, जो साइज होती है हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो ये रहे इसके एक्सपेरिमेंट। इनडायरेक्ट मेथड से किसी भी हम छोटे साइज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी साइज? मॉलिक्यूल्स एटम की साइज, जो कितनी होती है लगभग 10^-8, 10^-9। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल और एटम की साइज होती है। समीरण, तो हमने क्या कैलकुलेट किया? डायमीटर, यानी इसका ये डायमीटर ही नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी साइज है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।